बिलासपुर से खबर, जहां खाद्य विभाग की छापामार कार्रवाई में अवैध गैस सिलेंडर और रिफिलिंग पर खाद्य विभाग की टीम ने पहुंचकर छापा मारा, जहां बड़ी संख्या में एलपीजी सिलेंडर टीम ने जब्त किए हैं। बता दें आपको, पुराना बस स्टैंड और बुधवारी क्षेत्र में कार्रवाई की है। 6 से ज्यादा दुकानों में छापामार कार्रवाई की है टीम ने। पुराना बस स्टैंड और बुधवारी क्षेत्र में खाद्य विभाग की टीम ने कार्रवाई की और 6 से ज्यादा दुकानों में अवैध गैस सिलेंडर और रिफिलिंग करने पर टीम ने कार्रवाई की है। हम रुक करेंगे संवाददाता उमेश मौर्य का, हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। उमेश, क्या जानकारी इस छापामार कार्रवाई से जुड़ी? देखिए, शहर में लगातार ये सूचना मिल रही थी कि अवैध रूप से जो है खाली जो गैस सिलेंडर है उसकी कालाबाजारी की जा रही है। इसी कड़ी पे आज खाद्य विभाग को सूचना मिली और खाद्य विभाग ने बस स्टैंड और इसके अलावा 2-3 और इलाके जो है, अभी जानकारी मिल रही है, वहां पर भी वो दबिश देकर देने पहुंचे हैं। 6 खाली सिलेंडरों को जब्त किया गया है। इसके अलावा जो है कार्रवाई भी आगे की जा रही है। लगातार सूचनाओं के बाद खाद्य विभाग जागा है। देखने है ये होगा कि खाद्य विभाग की कार्रवाई कितने दिनों तक चलती है। बहुत शुक्रिया जानकारी पहुंचाने के लिए। उमेश, हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि बड़ी कार्रवाई की है टीम ने और यहां पर अलग अलग दुकानों पर जब कार्रवाई करने के लिए टीम पहुंची तो यहां कार्रवाई की है टीम ने। अवैध तरीके से रिफिलिंग दरअसल यहां की जा रही थी।